साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और जो ठग हैं वो अलग ही तरीके से अब ठगी कर रहे हैं। ये नौजवान युवक इस समय हमारे साथ खड़ा है और जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके पास फेसबुक पे एक लिंक आता है, ये लिंक उसको ओपन करता है और उसके बाद जो है शुरू हो जाती है ठगी। ठगी कैसे है कि ये जैसे लिंक ओपन करता है और इसके पास जो एक ओटीपी आता है वो ओटीपी ये बातों में लगाकर जो साइबर ठग था वो इसको शेयर कर देता है। इसने ओटीपी शेयर किया और क्या हुआ, इसका फोन पूरी तरह से हैक हो जाता है। इसके फोन का जो सारा डाटा था, फोटो थी, वो निकाल ली जाती है, इसके कॉन्टेक्ट चुरा लिए जाते हैं, जिसके बाद इसको जो है फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर मैसेजेस आ रहे हैं लगातार कि तुम मेरे खाते में इतने पैसे जमा कराओ, नहीं तो आपकी न्यूड फोटोज, आपकी सिस्टर की, आपकी फैमिली की न्यूड फोटोज बनाकर दूसरे जो सर्कल के लोग हैं, ग्रुप के लोग हैं, उनको भेज दी जाएंगी। लेकिन जब इसने पैसे जमा नहीं कराए तो उसके बाद इसके पास जो है अब न्यूड फोटोज जो है भेजनी शुरू कर दी गई है, जिसके साथ जो है इसको इसके चेहरे का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उसके बाद जो है न्यूड फोटोज जो है नीचे लगाई गई हैं, जिसके बाद इसने हालांकि अब पुलिस में शिकायत देने की बात कही है, लेकिन ये सामने आकर इसलिए लोगों को जागरूक करना चाहता है ताकि जिस तरह की ठगी या जिस तरह का शिकार ये हुआ है कल को किसी और के साथ ऐसा ना हो। इसी से जानना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे। एक लिंक आपके पास आता है, आप लिंक को ओपन करते हैं, आप ओटीपी शेयर करते हैं, किस तरह से उसने आपको बातों में लगाया और क्यों आपने ऐसा किया? सर मेरे को पता नहीं था, मैं फेसबुक चला रहा था तो उसने मेरे पास कोई, जैसे मैं फेसबुक चला रहा था एक लिंक आया मेरे पास, मैंने उस लिंक पे क्लिक करके देखा, मैंने सोचा पता नहीं कैसा लिंक आया है। लिंक आने के बाद सर मेरे पास उस ओटीपी आया, ओटीपी आने के बाद उसका व्हाट्सएप मेरे पास कॉल ही आई, कॉल आने के बाद उसने मेरे से बात किया ऐसे ऐसे करके, भाई तेरे खाते में पैसे आ गए, ये उसने मेरा सारा बायोडाटा ले लिया, ओटीपी भी, ओटीपी मेरे को बता दे, मैंने उसको बताया तो मेरा सारा फ़ोन का बायोडाटा उसके पास चला गया, तो उसने मेरे खाते में 2000 रुपये डाले सर। 2000 डालने के बाद थोड़ी देर बाद फिर आया, भाई तेरे खाते में पैसे गलती से आ गए। गलती से आने के बाद सर उसने, मैंने कहा चलो ठीक आ जाते हैं, आप मेरे पास कुछ नंबर भेजो अपना भी, मैं उस पर आपके पैसे वापस कर दूँगा। मेरे को पता नहीं था, मैं नहीं चलाता, कभी कभी चलाता हूँ सर। चलाने के बाद सर उसने क्या किया तो 2000 रुपये मेरे से डलवा लिए सर, मैंने उसके 2000 रुपये तुरंत डाल दिए। डालने के बाद सर वो कह रहा चल ठीक है भाई, ये अभी दोबारा मेरे पास ओटीपी आएगा, इसको बताना, तो नहीं ओटीपी बताने के बाद सर मैंने उसको बंद करके रख दिया। तो कह रहा भाई चल ठीक है, आपका अभी ये वो नहीं होया अप्रूवल, जैसे वो आएगी ना सर भाई आपका लोन, जैसे 2000 रुपये मेरे क्लिक हो जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है सर, हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो मैंने पता नहीं था, सुबह मैंने फ़ोन ओपन किया तो मेरे एक फ़ोटो भेजी उसने सर, खींच के मेरी फ़ोटो पे ना लिख के भेजा, गलत मलत जैसे इस्तेमाल किया तो मेरी फ़ोटो पे गलत गलत लिख के भेज दिया। तो भेजने के बाद सर मैंने अपने भाई को दिखाया तो उसने, मैंने कहा ये क्या आया, तो मैंने उसको ये बोला दोबारा ओपन करके उसके व्हाट्सएप पे, भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हो, वो बोल रहा है मेरे को और पैसे डाल, नहीं तो मैं तेरी सारी फ़ोटो इसमें से निकाल के फ़ोन में मेरे पास हैं तो मैं सब ग्रुप में डाल दूंगा, सब जगह पे डाल दूंगा। तो उसके बाद क्या हुआ, जिस तरह से उसने बताया कि आप पैसे डालो नहीं तो आपकी फ़ोटोज़ जो है डाल दी जाएंगी, उसके बाद क्या रिस्पॉन्स उसका आया और क्या उसने फ़ोटोज़ डाली हैं? हाँ सर उसने ना मेरे, जैसे मेरी मासी की लड़की है, मेरी बुआ की लड़की, जिसके मेरे पास नंबर थे सारे नंबर उसके पास चले गए सर। जाने के बाद उसने ना सब रिश्तेदारों में मेरी फ़ोटो भेज दी है, ये उसने साथ मेरे साथ फ्रॉड किया सर, मेरे को इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। सुबह मेरी बुआ की लड़की का फ़ोन आया भी ऐसे ऐसे करके, ये क्या हुआ, मैंने कहा मेरे को तो पता नहीं, कह रहे तेरे ये जैसे फेसबुक या आईडी सब हैंग कर ली, किसी ने तेरा फ़ोन हैंग कर लिया सर। जब पता चला मैं फिर पुलिस लाइन में आया सर, उन्होंने मेरे को कुछ नहीं दिया, फिर आपके पास आया सर। तो बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये थाने में गया तो इसको एक थाना दूसरा थाना भेजा जा रहा है, हालांकि पुलिस का प्रोसेस होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब ये शिकायत देता है, पुलिस को मामला दर्ज करके ऐसे साइबर ठगों को गिरफ्तार कर जरूर करना चाहिए, जो भोले भाले खासतौर पर शरीफ लोगों को किस तरह से ठगी का शिकार बना लेते हैं। लेकिन बार बार इस खबर को दिखाने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप सभी लोग जागरूक हो और हर एक शख्स इस वीडियो को शेयर करे। कोई भी लिंक आपके पास अननोन नंबर से आए, अननोन प्रोफाइल से आए, आपने उसको ओपन नहीं करना है। आप ओपन करेंगे, ओटीपी शेयर करेंगे तो आपकी आईडी, आपका फोन हैक हो जाएगा। और इसी तरह से हम आपको बताना चाहेंगे कि इनके परिवार की कुछ सिस्टर्स की फोटो का इस्तेमाल कर, इसकी फोटो का इस्तेमाल कर उसके चेहरे बदल कर और उसकी न्यूड फोटोज लगाकर जो है उसको ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन इसको भाई को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस तरह की ठगी के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, हम सभी लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है ताकि और भी दोबारा से जो लोग हैं वो इस तरह से ठगी का शिकार ना हो। कुछ और तरीके से भी हम इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे शातिर ठगों को निश्चित तौर पर पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए ताकि ऐसे जो लोग हैं वो आगे से ऐसे लोगों का ठगी का शिकार ना हो। हालांकि कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग डर जाते हैं और उनके खातों में पैसे भी जमा करा देते हैं, लाख लाख दो दो लाख रुपए जमा करा देते हैं और उसके बावजूद भी वो लोग इनको फोन करते रहते हैं। अगर आप उनको पैसे दोगे तो उनका हौसला बढ़ेगा और वो दोबारा से आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। हमारी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर बात क्राइम या फ्रॉड की जाए तो इस टाइम जो सबसे टॉप पर है वो है साइबर फ्रॉड, और साइबर
फ्रॉड के जो है आए दिन मामले जो है हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि आज हमने जो इन शख्स से बातचीत करी जिन्होंने हमें बताया कि सिर्फ महज एक OTP शेयर करने से जो है कैसे उनका सारा डेटा, उनकी सारी जो प्राइवेट तस्वीरें थी वो सब जो है किसी और के पास पहुंच गया, और जो भी इनको जो है परेशान कर रहा है वो उन पिक्चर्स का जो है गलत इस्तेमाल कर रहा है। और यूजुअली जो है ऐसे मामलों में पिक्चर्स को क्रॉप करके एडिट करके वैसा दिखाया जाता है जैसी वो असलियत में होती नहीं है। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर इससे जो है कैसे उन्होंने ऐसी क्या गलतियां कर दी या उन्होंने ऐसा क्या प्राइवेट डेटा जो है वो शेयर कर दिया जिसकी वजह से उन्हें आज जो है ऐसा कुछ भुगतना पड़ रहा है। तो सर आपने OTP शेयर किया था? हाँ मैम, मेरे पास लिंक आया था, मैंने उस पर क्लिक करने के बाद उसके पास OTP चला गया सर। उसने मेरे पास OTP भेजा दोबारा, भाई OTP मेरे को बता दें। तो मैंने उसको OTP बताने के बाद उसने मेरे खाते में पैसे डाले जो 2000 रुपये, फिर उसने वापस मैंने उसके खाते में पैसे थोड़ी देर के बाद पूछने के बाद डाल भी दिए। तो उसके बाद वो मेरे को सुबह कह रहा भाई मेरे खाते में और पैसे डाल। पहले जो आपको लिंक आया वो किस लिए आया, क्यों आपने लिंक पे क्लिक क्यों किया? मेरे को पता नहीं था मैम, मैं फेसबुक देख रहा था ना, फेसबुक देखने के बाद उसके बाद एक लिंक आ गया था अपने, मैंने उस पर क्लिक किया। तो फिर मैडम उनका थोड़ी देर बाद क्लिक करने के बाद है ना उनका खुद फ़ोन आया था, जैसे व्हाट्सएप पे कॉल आई मैम, उसके आगे जैसे 999 अक्षरों का नंबर था मैम, उसके आगे निशान लगा हुआ था। मैंने सोचा ये कैसे आया, मैंने दोबारा फ़ोन किया, कह रहा भाई ऐसे ऐसे करके आपके खाते में पैसे डाल दिए मैंने। मैंने कहा जी क्यों डाले? उसके बाद उसने पैसे डाले ना मैडम जैसे, तो थोड़ी देर के बाद उसके बाद व्हाट्सएप पे वो कह रहा मैं आपके खाते में पैसे मेरे वापस कर दे भाई, तो नहीं तो मैं आपकी गलती तो पैसे वापस करने के लिए बातचीत शुरू होती। तो पहले जो है ना यूजुअली ऐसा कहा जाता था कि OTP शेयर ना करें, OTP जो है उसमें बहुत ही जो है हमारा प्राइवेट डाटा जो है प्राइवेट डाटा एनक्रिप्टेड जो कोड्स होते हैं उसे डीकोड करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अब क्या होता है ना कि अगर आप लिंक पे भी शेयर कर देते हैं, और हम कितने तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, हम इंस्टा यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, तो हम कोई भी कितने लिंक हम जो है दिन में देखते हैं, गो थ्रू करते हैं, अगर आप किसी भी लिंक पे गलती से क्लिक करते हैं तो भी आपका जो OTP है या आपका जो प्राइवेट डाटा है वो बहुत इजीली जो है हम अननोन्स के साथ शेयर कर देते हैं। ऐसा ही कुछ इस केस में भी हुआ है। तो इसलिए जो है यूजुअली टाइम टू टाइम आपको कहा जाता है कि अपनी जो है कुछ सेफ्टी जो प्रिकॉशंस है उसको लेके चलें। सोशल मीडिया जितना जिसने हमारी जो लाइफ है उसको इतना इजी कर दिया, डिजिटलाइजेशन ने हमारी लाइफ को इतना इजी कर दिया, लेकिन उसने जो है बहुत सारी जो चीजें हैं वो नेगेटिव भी एड ऑन कर गई हैं, जिसका सबसे बड़ा रीजन यही है जो पैसे हैं उसे अब साइबर फ्रॉड के थ्रू जो है बैंक से ट्रांसफर कराना बहुत आसान हो गया। आपकी जो गलत पिक्चर्स हैं उसे कितनी गलत तरीके से यूज किया जा सकता है, जैसे इनको जो है डीफेम करने की कोशिश की जा रही है। तो आपके जो घर वाले हैं सबके पास आपकी वो पिक्चर्स? हाँ मैम, गलत पिक्चर भेज रहे, जैसे मेरी दीदी के पास, मेरे भाइयों के पास, मेरे मामा जी के पास, सबके पास वो गलत पिक्चर भेज रहा जी, कह रहा मैं सबके पास है ना, जैसे इसमें फेसबुक पे डालूंगा, व्हाट्सएप पे सबके डालूंगा। उसने ना गंदी गंदी जैसे नंगा करके किसी की भी, जैसे लेडीज की, हमारी सबकी गंदी गंदी, जैसे मुंह मेरा लगा देता किसी और के लगा के गंदी गंदी पिक्चरें भेज रहे मैम। तो क्रॉप्ड पिक्चर्स में यूजुअली ऐसा ही होता है कि जो फेस होता है वो आपका होता है, लेकिन बॉडी जो है किसी की भी लगा सकते हैं, इस तरीके के बहुत सारे जो एप्स हैं। तो आप जो है ना थोड़ा सा जो है ना इन सब चीज़ों को यूज़ करते हो ना, सीरियसली जो है हैंडल किया कीजिए टेक्नोलॉजी को, क्योंकि इसका ना बहुत एडवर्स अफेक्ट भी हो सकता है। तो जो साइबर सेल है उसको जो है इस चीज़ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्टली एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या होता है कि अब इन्होंने हमें बताया कि मैं एक थाने से दूसरे थाने जो है सुबह से चक्कर काट रहा हूँ, कल का ये जो है कल आपके साथ ये घटित हुआ। तो आपको जो है ना जो साइबर सेल है उससे भी यही जो अपील रहेगी कि वो जो है ना इस मामले को थोड़ा सा सीरियसली लें, और ऐसे जो मुजरिम होते हैं ना, जो खतरनाक लोग होते हैं जिन्हें पकड़ना भी बहुत मुश्किल होता है, पता नहीं किस नाम से किस आईडी से जो है वो चला रहे हैं और ऐसे कितने कारनामे वो पहले भी कर चुके हैं, तो इनको जो है ना बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी बस साइबर सेल से यही अपील रहेगी कि ऐसे जो रोज के जो है वाक्य होते जा रहे हैं इन पर थोड़ी रोक लगाई जाए। वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसे जो दूसरे लोग हैं उनकी भी कुछ मदद हो सके। भव्या नारंग, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।